हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इज इंटरेस्टिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक और अमेजिंग वीडियो के साथ हूँ और इसमें मैं बात करूंगा कि आप भी अगर क्लास 10 में एंटर कर चुके हो तो आपको कौन सी बुक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसी पांच बुक्स मैं बताऊंगा जिनका यूज़ करके आप यहाँ पर 100% तक का स्कोर कर पाओगे या अपना ड्रीम मार्क्स जो आप स्कोर करना चाहते हो वहाँ तक का स्कोर कर पाओगे। इवन 100% भी आप आराम से इन किताब को पढ़कर ला सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूंगा और पांचों बुक्स को आपको बताऊंगा। अगर ये पांचों बुक्स आप सही से हैंडल कर लेते हो तो बिल्कुल आपको 100% स्कोर करने से बोर्ड एग्जामिनेशंस में कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा मैथ्स की और फिर इसी तरीके से हम लोग सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। देखो, सबसे पहले मैं बात कर लूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में आपको सबसे पहली किताब जो है हर एक सब्जेक्ट के लिए वो है एनसीईआरटी। तो बुक नंबर वन जो है वो है एनसीईआरटी। आपको सारे सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी को तो पढ़ना ही पढ़ना है, दैट इज़ मस्ट एंड दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। तो एक नंबर पर आ जाती है एनसीईआरटी। अब मैं जिन बुक्स की भी बात करूँगा वो होंगी रेफरेंस बुक्स, जो आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बुक नंबर टू की बात कर लेते हैं। वो मैथ्स के लिए आएगी, जो कि है आरएस अग्रवाल की बुक। अगर आप आरएस अग्रवाल की बुक कर लेते हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, क्लास टेंथ में आ गए हो आप, अगर आरएस अग्रवाल की बुक्स को अच्छे से लगा लेते हो तो आपको 100% मार्क्स एनसीईआरटी के साथ, अगर आरएस अग्रवाल को लगा लेते हो तो आपको 100% का स्कोर करने से मैथ्स में कोई भी नहीं रोक सकता। आगे बात कर लेते हैं हम लोग साइंस के बारे में। तो साइंस में देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में बात करूं तो बायो में सिर्फ एनसीईआरटी सबका काम चल सकता है, प्रॉपर नोट्स अगर आप बनाकर चलते हो। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए मैं पहले से भी बताता आ रहा हूं, इस वीडियो में बता रहा हूं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आप एस चांद पब्लिकेशन की जो किताब आती है आपके क्लास टेंथ के लिए वो आप ले सकते हो। बिल्कुल अगर आप उसको एनसीईआरटी के साथ अच्छे से पढ़ लेते हो तो बिल्कुल वहाँ पर साइंस में आप 100% का स्कोर कर पाओगे। चलो, बुक नंबर थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं सोशल स्टडीज़ में। तो सोशल स्टडीज़ में एनसीईआरटी के साथ अगर आप टुगेदर विथ के साथ जाते हो तो फिर से मैं कहूँगा कि अगर आप अच्छे से टुगेदर विथ तैयार कर लेते हो सोशल स्टडीज़ में तो यहाँ सोशल स्टडीज़ में भी आपको कोई 100% का स्कोर करने से नहीं रोक सकता, बिल्कुल आप 100% का स्कोर करोगे ही करोगे। तीन किताबों के बारे में और चार एनसीईआरटी तक मैं चार किताबों के बारे में आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। अब आती है पाँचवें नंबर की बारी, जो कि है हिंदी के लिए। हिंदी के लिए मैं बता दूँ कि ऑल इन वन की किताब अगर आप ले लेते हो या एग्ज़ाम आइडिया, दो किताबें हैं दोनों में से कोई एक, बट ये है बुक नंबर फोर, एग्ज़ाम आइडिया या ऑल इन वन में से कोई एक किताब अगर आप ले लेते हो हिंदी के लिए अपनी टेक्स्ट बुक के साथ, तो ये भी आपको बिल्कुल हिंदी में मैक्स टू मैक्स मार्क्स ला सकते हो आप। मेरे हिंदी में 98 मार्क्स आए थे, मैंने मार्कशीट पर भी वीडियो बना रखी है अपने आपने, अगर नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो ये रही पांचवी किताब, और फिर से वही एक किताब इंग्लिश के लिए भी आप टुगेदर विद का यूज़ कर सकते हो। तो ये रही पांच किताबें, अगर इन पांच किताबों का यूज़ आप कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में 100% स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता, या वो मार्क्स स्कोर करने से जो आपका ड्रीम मार्क्स है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।